अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। इस शदीद गर्मी के मौसम के लिए वज़न कम करने की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसको इस्तेमाल करने से यकीन मानिए ना तो आपको खाने पीने में कोई ज़्यादा परहेज़ करना पड़ेगा और ना ही कोई डाइटिंग ना कोई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जितना मर्ज़ी दिल चाहे आप खा लें, लेकिन आपने ये चाय बनाकर पीनी है। इसको पीने से वज़न बहुत तेज़ी से कंट्रोल होगा, साथ ही में आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है वो भी तेज़ी से कम होगा, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये इतना ज़बरदस्त कहवा है, पेट की चर्बी को पिघला देता है और बहुत तेज़ी के साथ वेट लॉस में हमें मदद करता है। सिर्फ दो चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है इस कहवे में, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मौसम गर्मी का है और ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करने से काफ़ी लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो मैं आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी कहवा की रेसिपी बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने सॉस पैन लेना है, इसमें मैंने एक मग पानी का डाला है। तो मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का नॉर्मली जो मग होता है वो यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर जब तक के पानी में बॉयल नहीं आ जाता है तो हम देख लेते हैं ऐसी वो क्या चीज़ है जो आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जी जनाब, तो ये है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास ये किसी भी मार्ट से इजीली मिल जाती है, दराज से भी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं या पंसागी की शॉप से भी आपको ये इजीली मिल जाएगी। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, इस पर ख़ुद भी लिखा हुआ है, मेंशन है सब कुछ कि ये वेट लॉस में हमें हेल्प करती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को ये मेंटेन करती है, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है ये। तो इसके साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को भी हमारे बूस्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो निज़ाम होता है वीक पड़ जाता है। तो ये हमारी कमज़ोरी को भी दूर करती है, हील्स कोल्ड एंड फ्लू भी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये चीज़। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह की दिखने में होती है, ये देखिए लेमन ग्रास, ये सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं। तो ये हमने आज यूज़ करनी है इस कहवे के लिए। तो यहाँ पर एक कप मैं कहवा बना गई हूँ, तो इसीलिए मैंने एक टेबल स्पून, एक बड़ा वाला चम्मच लिया है टेबल स्पून, ये भर के ले लिया। तो यहाँ पर आज हमने लेमन ग्रास से ये कहवा बना के तैयार करना है, इस मौसम के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है ये। इस कहवे को सही इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर पानी में देखिए बॉयल आ चुका है, तो अब हमने इसमें लेमन ग्रास शामिल कर देनी है। अब यहाँ पर हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सभी के घरों पे मौजूद होती है हरी इलायची, यानी कि सब्ज़ी इलायची मैंने ली है। इस तरह से आपने खोल कर डालनी है ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है ना वो इसमें आ जाए। इलायची हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होती है, मैदे के लिए, जिगर के लिए, मेटाबॉलिज़म को हमारी फास्ट कर देती है ये, और इसके अलावा डाइजेशन में हमें मदद देती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, और साथ ही में कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो बस यहाँ पर हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट पकाना है, 2 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए बंद कर देते हैं गैस का फ्लेम और हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। तो ये कहवा हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसमें मैंने मिठास के लिए कुछ भी शामिल नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ पर वेट लॉस करना है। तो इसके लिए बिल्कुल भी आपने इसमें मिठास के लिए कुछ भी नहीं शामिल करना है, ना शहद यूज़ करना है और ना ही शुगर यूज़ करनी है। अब अगर आप चाहते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ वज़न कम हो तो इसके लिए आपने आधा लींबू का रस भी इसमें शामिल करना है। तो बस ये हमारा कहवा बनके तैयार हो चुका है, इस मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट है, आइडियल है ये रेसिपी। इसको पीने से ना तो आपको मैदे में गर्मी ज़्यादा महसूस होगी और वज़न भी आपका बहुत तेज़ी के साथ कम होगा। अब इसे पीने का तरीका आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से किस टाइम इसे पीना है। तो इसे आपने सुबह में निहार मुँह पीना है एक कप बनाकर, और आपने रात को सोने से पहले एक कप बनाकर पीना है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपने ये कहवा बनाकर पीना है, तभी आपको इसके सही रिज़ल्ट मिलेंगे। तो दिन में सिर्फ 2 कप बनाकर आपने पीने हैं, इसके साथ आपको कोई ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो दिल चाहे आप खा सकते हैं, बस ऑयली खानों से थोड़ा सा आपने परहेज़ करना है, और साथ ही में रोज़ाना 15 से 20 मिनट आपने वर्जिश करनी है, वॉक करनी है। तो इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और इस कहवे को पीने से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चुस्त महसूस करेंगे। अगर आपको बहुत जिस्मानी कमज़ोरी, थकावट फील होती है तो वो सागे आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बस आपने डेली इसे 2 कप इस तरह से बना के पीना है, आपने इसे तकरीबन 2 महीने तक इस्तेमाल करना है, इसके बाद आपको बहुत वाज़े फ़र्क मिलेगा देखने में। तो
ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझे दें। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।